सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दैट इज कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, कोई भी हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स था और उसका ट्रांसपोज हमने करा और उसी मैट्रिक्स के अगर वो सेम आ जाए तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन हो जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए कोई एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स है 3x3 का, स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 2 एंड 3 2 माइनस के 1.5 एंड माइनस के 1 एंड 3 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है हमने ए। अब हमें इसे चेक करके देखना है कि सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। देन वी हैव टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो देखो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाता है, ए डैश। देखो ए डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, जैसे ही हमारे कॉलम्स गिवन है, 3 कॉलम्स है, तो कॉलम्स का रोज बना लेते हैं या रोज का कॉलम बना सकते हैं, तो वो हो जाता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज कर देना, तो हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें ए डैश, यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ए डैश कितना आ जाएगा, ये कॉलम है, इस कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट 2 2 एंड 3 2 एंड 3 एज इट इज 2 माइनस के 1.5 2 माइनस के 1.5 एंड माइनस के 1। देखो ये कॉलम्स हैं, 3 कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया, जैसे 2 स्क्वायर रूट 2 2 एंड 3 स्क्वायर रूट 2 2 एंड 3 एज इट इज 3 माइनस 1 एंड 1, इस कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3 माइनस के 1 एंड 1। तो हम देख रहे हैं जो हमारा ए मैट्रिक्स था, जो हमें गिवन मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज करा और आपस में दोनों को कंपेयर करा, देखो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 2 2 3 एंड 3 एज इट इज, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन यहां पर सेम देखने को मिल रही है। तो इसे बोलते हैं हम, इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश देन वी कैन से दैट ए इज सिमेट्रिक। तो ये कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक, अब हमें यहाँ देखने को क्या मिला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड वन आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया था ये ए और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ये सिमेट्रिक था। अब इसकी सिमेट्रिक में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इफ इफ डायरेक्टली हम इसे कर लेंगे, इफ ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए, माइनस ए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, माइनस के ए के इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन में मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से अगर हम एक मैट्रिक्स लें, जैसे हमने ये ए मैट्रिक्स लिया था, हम इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स भी ले सकते हैं और चेक करके देख सकते हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब यहां पर मैं एग्जांपल लेकर के देख रहा हूं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। जैसे मैंने एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में एग्जांपल में ए मैट्रिक्स लिया था, एज इट इज यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। तो बी मैट्रिक्स में मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 0 माइनस के ई एफ माइनस के एफ एंड ई 0 माइनस के जी, ई 0 माइनस के जी एंड एफ जी
जीरो, एफ जी जीरो, ठीक है। ये एक बी मैट्रिक्स लिया है, अब हमें क्या चेक करना है कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी बी डैश हम यहाँ पर इसका निकाल लेंगे, तो बी डैश यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ट्रांसपोज करने के लिए हम जो कॉलम्स होते हैं उसकी रो बना लेते हैं और जो रो होता है उसका कॉलम बना लेते हैं। तो ये इस कंडीशन में मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। देखो कैसे करेंगे, जैसे ही हमारे पास कॉलम है जीरो, ठीक है, माइनस के ई, माइनस के ई एंड माइनस के एफ, माइनस के एफ, एज इट इज ई जीरो माइनस की जी। देखो मैं यहां पर कॉलम की रो बना रहा हूं, जैसे फर्स्ट कॉलम की मैंने एक रो बनाई है जीरो माइनस के ई एफ, जीरो माइनस के ई एंड माइनस के एफ, एज इट इज ई जीरो एंड माइनस के जी, एंड थर्ड वन इज एफ जी जीरो, एफ जी एंड जीरो। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखो ये जो बी मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट इज पॉजिटिव, देन फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो यहां पर हमें कुछ चेंज मिल रहा है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये माइनस के बी के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन में मैट्रिक्स बी डैश इक्वल टू, बी डैश इक्वल टू माइनस के बी, देन देन वी कैन से दैट, वी कैन से दैट दैट बी इज, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो बी कैसा हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन होती है ए का ट्रांसपोज, यानी किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, एंड इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बी के इक्वल आ जाए या उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए तो हो जाता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक। थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, रियल एंट्रीज का मीनिंग होता है जो भी हमारे एलिमेंट है मैट्रिक्स के भी सारे रियल नंबर है, रियल एंट्रीज। तो हमें क्या देखना है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। ये एक थ्योरम है जिसमें हमें दो मैट्रिक्स के बारे में बात करना है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश जो होगा यानी ए मैट्रिक्स ए प्लस उसका ट्रांसपोज प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, और उस मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, ठीक है। तो हम इसे अब क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी, जो भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें रियल और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए आता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट बी बी एनी मैट्रिक्स, बी हमने कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया है, तो बी इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश लेट कर लेते हैं, बी इक्वल टू ए प्लस A dash, B भी any matrix, B is symmetric, तो ये कैसा है, symmetric matrix हमने यहाँ पर let कर लिया है, then, उसके बाद देखते हैं, then, अगर हम यहाँ पर B का dash करें, मतलब B का transpose करें, तो A plus A का भी हम whole transpose करेंगे, ठीक है। अगर मैं B का transpose करूँ, तो उसी matrix के equal होना चाहिए, जैसे B equal to A plus A dash है, तो B का transpose equal to उस matrix का transpose कर देंगे, ठीक है। ये A dash है यहाँ पर, A dash, ठीक है, A plus A dash का whole transpose। तो देखो जब मैं इसे open करता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, A dash plus A dash का whole dash, ठीक है, A dash का whole dash, ठीक। अब इसे हम देखते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे हमने properties of matrix पढ़ा था कि A का transpose अगर हम करते हैं तो वही same matrix आ जाता है, तो यानी A plus का A dash plus का A। तो देखो अगर मैं B का transpose करके चलाऊं तो यहाँ पर हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो सेम वही मैट्रिक्स मिलने पर क्या होता है, अगर हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो ये कैसा हो जाता है, B dash equal to A dash
प्लस का, ठीक। तो देखो हम क्या लेकर के चले थे, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लिया था, बी प्लस b इक्वल टू ए प्लस का ए डैश, देन बी ट्रांसपोज b, b का हमने ट्रांसपोज करा तो होल साइड दोनों साइड हमने ट्रांसपोज करा, इसका ट्रांसपोज करने पर ये होल ट्रांसपोज था, a प्लस b का ट्रांसपोज जैसे हम करते हैं तो a प्लस b के ट्रांसपोज से a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो देयर इज a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ये आ जाएगा, ठीक है। तो b डैश इक्वल टू a प्लस a डैश, तो सेम वही आ जाता है, तो ये हो जाता है सिमेट्रिक, ठीक है, हो जाता है सिमेट्रिक। एज इट इज हम दूसरा एक मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं, लेट अब हम किसके लिए कर रहे हैं, ये तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कर लिया, ये किसके लिए कर रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एज इट इज हम किसके लिए करेंगे, अब इसकी सिमेट्रिक के लिए हम बात कर रहे हैं, ये हमने ए सिमेट्रिक के लिए करा और यहां पर हम इसकी सिमेट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, लेट C इक्वल टू ए माइनस ए डैश, लेट C इक्वल टू ए माइनस ए का डैश, ठीक है। ये दो कंडीशन थी हमारी, a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश, तो इसे हमने b इक्वल टू ले लिया, इसे c इक्वल टू ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होल साइड सेम एज क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज दोनों साइड करते हैं कितना हो जाएगा, a माइनस का a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, a a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, से इसे जब हम सॉल्व करते हैं कितना आ जाता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है मैट्रिक्स की, जिसमें जैसे हमारा कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो कितना आ जाता है, वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद में पढ़ा था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश माइनस का ए, ठीक है, a डैश माइनस का a, ठीक। अब हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं इस कंडीशन में, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या थी, जैसे हमने इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक करा था, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो उसके निगेटिव के इक्वल आए, ठीक है, यानी a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए। एज इट इज c का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, इस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, देखो अगर मैं यहां कॉमन ले लेता हूं, c का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो कितना आ जाता है, देखो a माइनस a डैश, ठीक है। तो हम क्या लेकर के चले थे, a मैट्रिक्स c इक्वल टू ये लेकर के चले थे, अब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, उसके निगेटिव के इक्वल आ जाता है, देन देन सी इज जो हमने सी मैट्रिक्स लिया है ए माइनस ए डैश, तो वो कैसा हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो देखो ये थ्योरम थी, हमने इससे प्रूव कराया कोई भी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश तो वो किसका होगा, सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होगा, और ए माइनस ए डैश वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होगा। तो आगे हम जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मैट्रिक्स की, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया और a प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है, तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और आगे ये थ्योरम क्वेश्चंस में हेल्प करती है सॉल्व करने के लिए।